हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं तो आ गया हूँ यूक्रेन पे। फिलहाल मैं कीव में हूँ और मार्गरिटा के साथ में हूँ, मतलब उसका जो अपार्टमेंट है वहीं पे रह रहा हूँ मैं। फिर 2-3 दिन के बाद शायद मैं कहीं और पे जाऊँगा, और वो तो फिलहाल अपना काम कर रही है अपने घर में। मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए। और ये 3रा दिन है मेरा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, जब आया तब भी नहीं किया, और अभी बस स्टार्टिंग ही किया। ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है जब मैं अभी कर रहा हूँ उसको। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा घूमने के लिए निकला हूँ। ये सामने आपको ये बस है, ये सड़क है यहाँ का, उस साइड पे आपको दिख रहा है एक बिल्डिंग, उसके अंदर में सबवे, मतलब जो है मेट्रो। तो मुझे लेना है मेट्रो, एंड पता नहीं कहाँ पे जाना है। मैंने जस्ट सिम कार्ड ख़रीदा, अभी 3 दिन से मैं सिम कार्ड नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं उसका घर में मोस्ट ऑफ द टाइम था, मैं बाहर भी नहीं निकला, तो मुझे सिम कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो आज मैं बाहर निकला, मुझे सिम कार्ड का ज़रूरत था तो मैंने ख़रीद लिया, जिसके लिए मुझे 150 ग्रीना देना पड़ा, मतलब 450 रुपये के करीब। और मेरे को 18 GB डेटा मिला, 180 SMS मिला, और 180 मिनट कॉल के लिए मिला। सड़क के पास में हूँ, मुझे उस तरफ जाना है, मुझे नहीं पता उस तरफ कैसे जाना है अभी। यहाँ पे तो कुछ अंडरग्राउंड कुछ तो होगा जिसके मदद से मैं ऊपर उधर जा सकूँ, बट मेरे को ढूंढना है, शायद ये नहीं है, कहीं और होगा। और ये जो जैकेट आप देख रहे हो मेरे पास, मैं पहना हुआ हूँ, ये भी मेरा नहीं है, ये मार्गरिटा का है, उसने मुझे दिया है पहनने के लिए, क्योंकि मेरा जो मेन वाला जैकेट था वो मैंने दुबई में अपने दोस्त के पास छोड़ दिया था। मुझे रास्ता दिखा उस तरफ कैसे जाने के लिए, नॉट ये नहीं है। आगे आपको दिख रहा होगा लोग जा रहा है, ये देखो लोग सब नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको रास्ता क्रॉस करना है सबवे से, फिर वहाँ से आपको मेट्रो लेना है। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से मुझे जहाँ पे जाना है उधर क्या मिलेगा, मुझे तो नहीं पता। एंड भाई साहब बहुत ठंडा है, आपको अपना कान ढकना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा ठंडा है इधर। मुझे इस तरफ नहीं जाना था, मुझे जाना था इस तरफ, ये रास्ता क्रॉस करना है। हाँ, इसके आगे इधर भी है, तो नहीं पता था तो दूसरा खरीद लेता था कल, बट वो भी सही था। मैंने कल एक फूल ख़रीदा, मतलब फूल का जो गुलदस्ता होता है वो ख़रीदा मार्गों के लिए कल, उसको दिया मैंने। परसों देना था, वुमेंस डे था, बट कल दे पाया मैं, परसों को फिर उससे बात नहीं हुआ इतना कुछ। तो आ गया मैं रास्ते के इस किनारे, तो हमेशा रास्ते के उस तरफ, और आया हूँ अभी इस तरफ, अभी जा रहा हूँ फिलहाल सबवे के अंदर। तो मुझे जहाँ पे जाना था उस जगह का नाम था, मुझे गोल्डन गेट जाना था सबसे पहले। अभी चलता हूँ अंदर, फिलहाल करता हूँ रिकॉर्डिंग को बंद यहीं पे। अगर आपको सिंगल जर्नी में कहीं से भी कहीं तक जाना है, अगर वो सिंगल जर्नी आपको करना है तो आपको सिर्फ 8 ग्रीना देना पड़ेगा, जिसका मतलब है 24 रुपया के करीब हमारा इंडियन रुपीज़ में। पता नहीं मैं कितना राइड करने वाला हूँ, तो मैंने कि मेट्रो का जो स्मार्ट कार्ड है इसको मैंने ख़रीदा, 50 सिर्फ कार्ड के लिए देना पड़ता है, मतलब 150 रुपये के करीब, और 48 ग्रीना ऐसा कुछ देना जो मुझे रिचार्ज करके दिया है, ऐसा कुछ होगा। पता नहीं इसमें कितना बैलेंस है, क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि उन मोहतरमा को इंग्लिश आती नहीं थी। मैंने उनको पूछा, डू यू स्पीक इंग्लिश, शी सेड नो आई डोंट, मतलब उनको इवन उन्होंने नो भी नहीं बोला, उन्होंने अपना रशियन में बताया, ऐसा कुछ रशियन या यूक्रेनियन लैंग्वेज जो भी था उसमें उन्होंने ये बताया। एंड फिलहाल अभी जा रहा हूँ, ये बहुत ही नीचे है, ये मेट्रो स्टेशन वो ऊपर बहुत ऊपर से आ रहा है, और अभी नीचे बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है, 2 मिनट तो आपको ऐसे ही लग जाएगा वहाँ पे सिर्फ खड़े रहते हैं। पता नहीं इसके अंदर में रिकॉर्ड करना अलाउड है या नहीं, मैं ट्राई करूँगा। तियत्रा लेना 119 नंबर इधर है, तो यहाँ से हमें जाना है तियत्रा लेना, जो इस साइड पे आएगा। आ गया मैं, तो 3रा स्टेशन है यहाँ से, और 19 मिनट का जर्नी रहेगा शायद,
और ये रहा मेट्रो हमारा कोलकाता में, जिस टाइप का मेट्रो है क्वाइट सिमिलर है उस टाइप का लग रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। Наступна станція вокзальна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до рухання. हाँ उस टाइप का है हमारा कोलकाता में, जिस टाइप का मेट्रो है उसी टाइप का ही है। और तीसरा स्टेशन है यहाँ से तेतरालेना या ऐसा कुछ, या तेतरालेना या वहाँ पर जाना है। आ गए हमें तेतरालेना स्टेशन पे, यहाँ से बाहर निकल के बस 500 या 600 मीटर की पैदल जाना पड़ेगा, फिर मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ घूमने के लिए वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा। और इस तेतरालेना स्टेशन पे दो लाइन की कनेक्शन है, इधर मेट्रो 1 एंड मेट्रो 3 का कनेक्शन यहाँ पे है। मैं जब जो लाइन से आया था, मेट्रो 1 था, वो लाइन 1 था, रेड कलर का कुछ साइन में था, और उसके ऊपर से जब मैं नीचे आया, ये रहा आपका मेट्रो है इधर, यहाँ पे है मेट्रो 3 का गेट, मेट्रो लाइन 3 का गेट है ये, और यहाँ से आप कहीं और जाके दूसरा लाइन है ये मेट्रो 1 का नहीं है, ये मेट्रो 3 है। और ये स्टेशन भी कितना नीचे है भाई, कितना नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है। तो एक अजीब सा बात है, सारे लोगों ने इसको राइट साइड में खड़ा है, देखो लेफ्ट में कुछ जगह खाली है, आपको यहाँ से भी दिखेगा सारे लोग सिर्फ राइट साइड में ही है, कोई लेफ्ट में नहीं है। मैं भी जो जल्दी में वो यहाँ से ज़ोर से जा सके इसके लिए शायद इनका कुछ रूल्स होगा या लोग यही मानता होगा, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा ही कुछ हो। पर अच्छी बात है कि आप किसी और के लिए जगह छोड़ के एक साइड पर खड़े हो। मुझे जहाँ पे आना था ये जगह वही है, जब इधर से बाहर निकला हो, ये रहा ये चार्च या कुछ है इधर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, कुछ नाम था मैं वो भी भूल गया, फिर से मेरे को फ़ोन निकल के देखना पड़ेगा क्या जगह का नाम है। अरे देखिए ये काट से बना है, देखो सामने क्या है, जो पूरा चीज़ें है ना पूरा ही वुडन है, पूरा काट से बना है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्फ़ गिरी हुई है दो दिन पहले, कल नहीं परसों को थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था शाम को, अभी आज तो पूरा सनी रहेगा, अभी ऐसे ही मतलब आई थिंक सैटरडे इस वीक के सैटरडे से या सैटरडे से बर्फ़बारी होगा अच्छा खासा, फिर से यहाँ पर स्नो से भरा हुआ जाएगा। बट ये सड़कें या सड़कों के आसपास की ये जो घर वगैरह है ना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। सी दिस स्ट्रीट हियर, पहले मैं काम करता हूँ इसके अंदर में जाता हूँ एक बार, फिर मैं थोड़े सड़कों के आसपास में थोड़ा सा घूमूंगा, अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है मुझे। बट ये तो बंद पड़ा हुआ है भाई साहब, दिस इज क्लोज्ड। बट इस साइड से इसका व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो कितना प्यारा है, यूरोप के सड़कें अच्छा है, छोटा सा पार्क के पास में ये चार्च एंड इधर कुछ है। अरे भाई इसमें हंसने का कौन सा बात हो गया भाई, हमें भी थोड़ा सा बता जाए यार क्यों हंस रहा है तुम लोग। तो ये रहा का नज़ारा यहाँ से, इस चार्च के पास तो मैं आया था, फिर मारो ने मुझे टेक्स्ट किया कहाँ पे पूछ रहा था, तो मैं बोला यहाँ पे हूँ, तो फिर उसने मुझे बताया कि तुम पास में हो, जो यहाँ का जो मेन रिपब्लिक स्क्वायर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर बोलते हैं जिसको, उसके पास में हो, मतलब गूगल मैप में मैं सर्च करो, पास में ही है 600-700 मीटर की दूरी में। तो मैंने फिर सर्च किया और फिलहाल जा रहा हूँ उसी की तरफ। बट भाई साहब बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है ना जब आप रास्ते से चल रहे हो, एंड ये जो इस सड़क ये पार में भाई, ये जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो लुक है ना, मतलब कितना ऑसम लग रहा है भाई, मुझे बहुत प्यारा लगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे सच में यार। सर्बिया में तो मैंने देखा था बट इतना ज़्यादा नहीं था, और इतना खूबसूरत नहीं है सर्बिया भाई। अब इसके मामले में इतना बता सकता हूँ, मुझे पता है रशिया और यूक्रेन ये क्वाइट सेम है, बट ये जो पुरानी सड़कें तो नहीं है, सड़कें भी पुरानी है, बट ये जो घर वगैरह जो पुराना है ना,
अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं अपना खुशी को मतलब जब तक ये मास्क को नहीं हटाऊंगा अब समझ नहीं सकते। बट अब शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, बट आई थिंक आई शुड पुट माई मास्क ऑन बस दिखाने के लिए। भाई कितना खुशी महसूस हो रही है अंदर से, क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है अंदर से। ये जो सड़कें, ये जो घर वगैरह, इनका जो डिज़ाइन है भाई बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इंडिया तो मैं तो मेरा जान है यार, अपना देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, अपना देश है, वहीं के हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, हर कोई करता है, बट मैं भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही करता हूँ। बट उसके बाद में अगर कोई मेरा फेवरेट नेशन है ना, तो उसके नंबर पे यूक्रेन आता है, पता नहीं क्यों। ये पहले इसके सिर्फ आज के लिए नहीं कि मैं यहाँ पे आया इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से ही है। आई थिंक यही है मैन इंडिपेंडेंस स्क्वायर, कितना प्यारा है भाई साहब, आपको मैं शब्दों पे बयां नहीं कर सकता। देखो आई थिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा है, ये आगे का रास्ता अपना आंखों से जो मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ ना भाई, अपना आंखों से जो देख पा रहा हूँ, अल्टीमेट बोलता है जिसको, टोटली अल्टीमेट मैन, टोटली अल्टीमेट भी नज़ारा है भाई, कितना प्यारा है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ़ भी है। इस वीकेंड तक बहुत ढेर सारा स्नो होगा, आपको दिखेगा। यहाँ का भी फिलहाल वेदर है 0°C एंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भाई। और ये आगे लेफ्ट में है मेन इंडिपेंडेंस स्क्वायर, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट है राइट में, राइट साइड में, यही है इंडिपेंडेंस स्क्वायर की मॉन्यूमेंट जो है यही है। और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें इस तरफ आपको दिख रहा है, इनकी हिस्ट्री के बारे में सब लिखा है, बट सारे यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, तो सारे यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बेकार में ही पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। और हम आ गए हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, ये रहा इंडिपेंडेंस स्क्वायर, और यहाँ से आगे ये रहा इंडिपेंडेंस स्क्वायर की मॉन्यूमेंट। हाँ ये देखो ये वाला बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर क्या मस्त है भाई, पता नहीं कैमरा में कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, बट अपना आँखों से जो देख रहा हूँ ना, क्या मस्त लग रहा है ये वाला बिल्डिंग आगे का सारे, मतलब यहाँ पे जो भी बिल्डिंग वगैरह है ना, क्या मस्त है भाई, क्या क्या खूबसूरत है, खूबसूरती को मैं तो बयां नहीं कर सकता अपना आँखों से। तो मैं तो था रास्ते के दूसरी तरफ पे, अब आ गया हूँ इस तरफ, और आगे ये वाला विक्ट्री मोनूमेंट है और इंडिपेंडेंट मोनूक्रेन है, सॉरी मोनूक्रेन क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या है भाई, यूक्रेन पता है, यूक्रेन क्या मोनूमेंट पता है, सो यूक्रेन का अगर मोनूमेंट को हम साथ में कैसे थे, ओके हैशटैग मोनूक्रेन, ओके मोनूमेंट इन यूक्रेन दैट यू कैन कॉल इट टुगेदर मोनूक्रेन, कुछ लिखा है पता नहीं क्या है ये, क्या है ये चीज़, क्या इसका मतलब क्या है। आगे आपको एक गोल्डन कलर का कुछ चीज़ दिख रहा है ना, एक क्रॉस दिख रहा होगा, एक चार्ज दिख रहा होगा, ये मैंने गूगल मैप्स में देखा था कहीं पे, मतलब यहाँ पे भी मुझे आना था और ये पास में था, तो मैं फिलहाल अभी यहीं पे जा रहा हूँ।